दतिया जिला चिकित्सालय में आज फिर एक बार सफाई कर्मचारी द्वारा की जा रही हड़ताल को लेकर चर्चा में है। जिला चिकित्सालय के सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर 4 दिन से हड़ताल कर रहे हैं और वे अपनी मांगों पर अड़िंग हैं। सफाई कर्मचारियों को समझाने के लिए अस्पताल प्रशासन के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारी भी मैदान में उतरे हैं, लेकिन सफाई कर्मचारियों ने प्रशासनिक अधिकारियों की हर बात मानने से इनकार कर दिया है। इसके चलते सफाई कर्मचारी और प्रशासनिक अधिकारी आमने सामने आ गए हैं। सफाई कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से जिला चिकित्सालय की सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। इसको देखते हुए नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों से सफाई कराना पड़ रही है। ठेका हो गया है, शासन की नीति है, शासन की पॉलिसी है, पॉलिसी हम कोई चेंज नहीं करते। आप स्ट्राइक कर रहे हैं, वो आपका काम है, हम आपको जो टेंडर हुआ है। उल्लेखनीय है कि जिला अस्पताल का सफाई व्यवस्था इस बार ठेके पर चली गई है और सफाई कर्मचारी चाहते हैं कि यह सफाई व्यवस्था रोगी कल्याण समिति के द्वारा कराई जाए और कर्मचारियों को कलेक्ट्रेट रेट से वेतन मान दिया जाए। इसके साथ साथ सफाई कर्मचारी परमानेंट करने की भी मांग कर रहे हैं। SDM बीरेंद्र सिंह बघेल, तहसीलदार सूर्यकांत त्रिपाठी और अस्पताल CMHO PK शर्मा सफाई कर्मचारियों के पास पहुंचे और उन्हें समझाने का प्रयास किया, किंतु कर्मचारियों ने अधिकारी की बात मानने से इनकार कर दिया है। सफाई व्यवस्था ठेकेदार ने सफाई कर्मचारियों की बात मानते हुए सफाई ठेका छोड़ने तक की बात कह दी है। समझाया कर्मचारियों को कि ठेका व्यवस्था लागू की गई है और जो पेमेंट की कोई समस्या नहीं आएगी और जो नियम है उसके तहत उनको सारी सुविधाएं दी जाएंगी, तो मानने को तैयार नहीं है। ठेकेदार के जो कर्मचारी हैं वो काम करेंगे, अब उनको यदि व्यवधान उत्पन्न करेंगे तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इनकी कुछ मांगे हैं जो मेरे से संबंधित हैं, मैं सभी इनकी मांगे मानने को तैयार हूँ, और कुछ मांगे ऐसी हैं जो मेरे हाथ में नहीं है। जैसे इनका कहना यह है कि इनको ठेके में काम नहीं करना, रोगी कल्याण समिति के माध्यम से काम करना। अगर मेरे ठेका छोड़ने से जो रोगी कल्याण समिति में लग सकते हैं तो मैं इसी समय ठेका छोड़ने को तैयार हूँ। इनका उज्ज्वल भविष्य हो ये मैं चाहता हूँ, मैं यही कामना करता हूँ।